ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आप देख रहे हैं इस साउंड बार का एक ट्रू व्यू जो आप ढूंढते रह जाएंगे आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा सबसे पहले आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इस बार को मैंने खुद खरीदा है सिक्सटी फाइव थाउजेंड रुपीज पे करके पिछले दो महीने से इसे प्रॉपरली बर्न इन कर रहा हूं और बर्न इन करने के बाद इसकी प्रॉपर टेस्टिंग करी है हर रूम साइज के अंदर आपको ऑडियो टेस्ट भी सुनने को मिलेंगे मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करके अपनी ड्राइव पे अपलोड करी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप उसे चेक कर सकते हैं सुन सकते हैं उन फाइल से से आपको अंदाजा लगेगा कि ये ये साउंड साउंड बार कैसा करती है ये बनता है इसीलिए बनता एक प्रॉपर ट्रू व्यू अब आगे की बातें बताने से पहले आपको थोड़ी सी लुक्स के बारे में बताता हूँ जल्दी सुनिए इस कमाल की साउंड बार के फ्रंट पे और टॉप पे आपको मेटल ग्रिल देखने को मिलेगी विच इज वेरी प्रीमियम एंड वेरी गुड लुकिंग और साउंड बार के साइड्स पे लुमिनियम फिनिश के साथ आपको JBL का लोगो देखने को मिलता है विच इज वेरी वेरी प्रीमियम साउंड बार के टॉप पे आपको पुश बटन मिलेंगे एंड देयर रिस्पांस इज वेरी वेरी गुड एंड नाउ कमिंग टू द मैसिव 10 इंच सबवूफर और इसकी क्या बात है इन वन वर्ड आई कैन कॉल इट अ बीस्ट ये इतना जबरदस्त है और इतनी पावरफुल बेसिस से आपको सुनने को मिलती है दैट यू नॉट एक्सपेक्ट मोर मोर आउट ऑफ दिस बट ऑन लेटर आपको इस साउंड बार के साथ एक फुल्ली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल भी देखने को मिलता है विच इज वेरी वेरी गुड लेकिन इस रिमोट कंट्रोल में खास बात है कैलिब्रेशन और साउंड शिफ्ट नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको सराउंड चैनल्स की

just wait for 30 seconds and let the magic happen. ये साउंड बार अपने आप कैलिब्रेट करेगी कि आपके रूम के एकोस्टिक्स कैसे हैं, साउंड किस तरीके से ट्रैवल करके वहां तक पहुंच रही है यानी सराउंड चैनल्स तक पहुंच रही है, उसके हिसाब से आपको सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस बेहतर सुनने को मिलेगा। sure you can increase and decrease the surround sound volume through the remote control which is a very very good thing. बट द कैलिब्रेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट जो आपको इस रिमोट कंट्रोल के अंदर देखने को मिलती है विच इज अगेन अ वंडरफुल थिंग कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको सारी पीछे देखने को मिलेंगी जिसमें एक एच डी एम आई ए आर सी पोर्ट है वो है फोर के एच डी आर पास थ्रू जो आपको इस साउंड बार से सुनने को मिलता है यानी देखने को मिलता है आपके पास अगर एक फायर स्टिक है और आपने इस साउंड बार के पीछे लगाया तो आपको फोर के एच डी आर पास थ्रू मिलेगा और इसके अलावा आपको ब्लू टूथर 2, 2 की सपोर्ट भी मिलेगी और ऑप्टिकल पोर्ट भी मिलेगा दूसरी चीज है साउंड शिफ्ट उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा लेकिन आपको ओवरऑल लुक्स के बारे में एक ही वर्ड में कह सकता हूं दैट दिस साउंड बार लुक्स अमेजिंग स्टनिंग वेरी प्रीमियम एंड स्टाइलिश और सारी इधर-उधर की बातें खत्म अब सीधा आपको ऑडियो टेस्ट सुनाता हूं सुनिए इसे द बेस द थम्प द मैजिक दट यू हर्ड वो आपको शायद और किसी साउंड बार से नहीं मिलेगा लेकिन कहने वाले तो ये भी कहेंगे कि 10 इंच का सबू कोई भी लगा सकता है लगा लो और उसके बाद बेस मिल जाएगी बट एक्चुअली जो क्लैरिटी आपको इस बेस में मिल रही है दट यू कैन नॉट गेट इन एनी अदर साउंड बार आपको एक और चीज सुनाता हूँ विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अब इस गाने को जरा ध्यान से सुनिए आप सबने सुना होगा लेकिन सुनिए इस साउंड के अंदर आप बेस को जीरो से लेके तक लेके जा सकते हैं यानी के अंदर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन करी गई है, उसे आप टेन बेस पे रिकॉर्डेड एक ऑडियो क्लिप थी छोटी सी पूरी नहीं सुना सकता बिकॉज ऑफ कॉपीराइट राइट रीजन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक दिया है ऑडियो फाइल्स का उसमें आपको पूरा सॉन्ग सुनने को मिलेगा अब आप सुनिए ट्वेंटी बेस का मैजिक चेंज मिला बहुत जबरदस्त चेंज है लेकिन अब आप जब थर्टी बेस सुनेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या कमाल कर सकती है ये साउंड बार मैं कह रहा हूँ लोग हिलने वाले हैं साउंड बर को सुन के एटलीस्ट आपके पड़ोसी तो जरूर हिलेंगे बट दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग इफ़ यू रियली वॉन्ट दैट बेस इफ यू रियली वॉन्ट टू एन्जॉय इन अ पार्टी एंड लेट मी टेल यू मुझे बहुत ज़्यादा बेस पसंद नहीं है

उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि 45 फाइव हर्ट से यह साउंड बार बेस प्रोड्यूस करना शुरू कर रही है विच इज एग्जैक्टली वॉट जेबीएल फाइव पॉइंट वन क्लेम्स एंड दिस इज ट्रूली अमेजिंग उसके बाद आपको लोअर बेस बहुत जबरदस्त इसमें देखने को मिलती है देर इज अर्ज ऑफ पावर इन द लोअर बेस एंड अपर बेस को एकदम शार्पली डिक्लाइन करके वोकल्स को ओवर पावर करा गया है ताकि आपको मूवीज और किसी भी टाइप के ऑडियो या फिर डायलॉग्स के अंदर कभी भी सुनने में प्रॉब्लम ना हो दो इट ऑल्सो हैज अनादर फीचर विच इज कॉल्ड

लव टू लिसन टू ऑल द काइंड ऑफ सॉन्ग्स ऑल जॉनराज ऑफ सॉन्ग्स फ्रॉम दिस साउंड बार सिर्फ आपू से ढंग से ट्यून करें सो वॉट इज द ऑडियो सिग्नेचर ऑफ जेबीएल फाइव पॉइंट वन

यार ये मूवी बहुत जबरदस्त है और जब आप इस साउंड बार के साथ एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको नो लेस देना सिनेमा हॉल ऐसा एक्सपीरियंस देखने को और सुनने को मिलता है

Now coming to two important things in the soundbar. ये जो surround channels हैं ये battery powered हैं. इनके अंदर एक battery है. आप इसे click करेंगे, जब इसे attach करेंगे, they will actually attach and start charging. ये charge पूरा होने में approximately तीन घंटे के आसपास लेते हैं, about three hours. इनकी लाइफ जैसा जेबीएल क्लेम करता है तो आपको जो बैकअप है वो अप्रोक्सीमेटली सिक्स आवर्स का मिलेगा और अगर आप थोड़ा सा मीडियम वॉल्यूम पे सुन रहे हैं तो आपको बैकअप अप्रोक्सीमेटली सेवन टू एट आवर्स भी मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन अगेन द वॉल्यूम दैट यू सेट दिस साउंड बार ऑन दूसरी चीज आपको साउंड बार को जब भी लगाना है तो सराउंड चैनल्स की वॉल्यूम को हमेशा फुल पे रखें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है तीसरी जैसी आपको साउंड बार से मिल रही है देर आर इन टोटल सिक्स ड्राइवर एंड थ्री ट्वीट आपको चार ड्राइवर और तीन ट्वीटर साउंड बार के अंदर मिलेंगे लेकिन एक एक ड्राइवर आपको इन सराउंड चैनल के अंदर मिलेगा ड्राइवर बहुत अच्छे से और बहुत डिफरेंट तरीके से कैलिब्रेट करा गया है इस ड्राइवर की वॉल्यूम को जैसे मैंने आपको बताया आप फुल पे रखें उससे होगा यह कि आपको सिर्फ सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस मिलेगा याद रखिए वो सराउंड साउंड वर्चुअल होगी बट दैट डज नॉट मीन कि आपको वैसी ही ऑडियो सुनने को मिलेगी जैसे आपको साउंड बार में मिल रही है उतनी ही लाउड मिलेगी साउंड के कुछ नोट्स होते हैं और उन नोट्स को प्ले करना इन सराउंड चैनल्स का काम होता है। हर नोट को प्ले करने का काम नहीं होता आपको बहुत ज्यादा बेसी साउंड नहीं मिलेगी आपको वोकल्स की बहुत ज्यादा आवाज इससे नहीं आएगी बहुत थोड़ी आएगी कुछ फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी एंड दैट इज एब्सोल्युटली ओके दैट इज हाउ एनी गुड सराउंड साउंड एक्सपीरियंस वुड बी और इसी ही तरीके से एक अच्छा सराउंड चैनल भी काम करता है उसके अंदर वही फ्रीक्वेंसी प्ले होनी चाहिए जिसके लिए उसे डिजाइन करा गया है एंड दिस साउंड बार डज दैट सो डूटिफुली आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन फर्दर इस साउंड बार के अंदर आपको डॉल्बी डिजिटल डॉल्बी प्रो लॉजिक और डी टी एस डिजिटल सराउंड की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी नो एटमोस सपोर्ट सैडली बट डज दैट रियली मेक एनी डिफरेंस डज इट रियली रियली हर्ट नॉट रियली really. क्योंकि इस साउंड बार के अंदर आपको जो क्लैरिटी मिलती है जो सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस मिलता है एंड ट्रस्ट मी इट इज रियली 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 मैजिकल आपको ये साउंड बार नहीं पसंद आए शायद ही कोई सीनारियो ऐसा हो सकता है कि आपको ना पसंद आए मुझे ऐसा कोई सिनारियो ढूंढने से भी नहीं मिला क्योंकि इस साउंड बार के अंदर मैं चाह के भी कोई कौन ढूंढ नहीं पाया शायद आप में से कई लोग कहेंगे कि एटमोस सपोर्ट नहीं है दिस इज कॉन और शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इसमें एच डी एम आई ई पोर्ट नहीं है नाउ दिस इज नॉट अ कॉन फॉर मी बिकॉज सिंस द साउंड बार डज नॉट हैव एटमोस सपोर्ट ई पोर्ट की इस साउंड बार में जरूरत ही नहीं है सो so, यस yes, अगर मुझे इसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स बताने होंगे तो मैं कॉन्स में ये दो कॉन्स बता सकता हूँ बट वेन आई टॉक अबाउट प्रोज प्रोज देन आई हैव अ होल लिस्ट ऑफ आप इसमें से खुद चूज करें आपको क्या पसंद है यू नीड वोकल्स यू यू इट नीड गुड बेस यू कैन नॉट बीट दिस साउंड बार यू नीड गुड दिस इज अ परफेक्ट साउंड बार आपको सराउंड साउंड चाहिए ये रहे सराउंड और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं आपको सेपरेशन चाहिए प्रॉपर सेपरेशन मिलेगा अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ऑडियो क्लिप्स के अंदर भी वो सेपरेशन सुना नहीं सकता बिकॉज हमारे माइक्स कैपेबल नहीं होते कि आपको वो वो सेपरेशन रिकॉर्ड करके सुना पर एक चीज मैं बोल सकता हूं, वो है इसकी like कॉस्ट, हैं और अगर आपको क्वालिटी एक्सपीरियंस चाहिए और अगर आपका रूम इज मोर देन 300 स्क्वायर फीट एंड एटलीस्ट 15 फीट वाइड तो साउंड बार को खरीदिए अदरवाइज़ गलती मत करिएगा क्योंकि अगर आपका रूम ज़्यादा चौड़ा नहीं है और अगर ज़्यादा बड़ा भी नहीं है तो आप इस को आप इस की को भी नहीं कर सकते हर चीज बेस नहीं होती आपको दस हजार की अच्छी बेस दे सकती है। अगर आपका रूम है, तो आपको इंफॉर्म्ड डिसीजन लेना है और मेरे लिंक से परचेज करना है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए

वेरी गुड फीचर और आप इसे वर्षा भी कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर एक इशू है छोटी सी प्रॉब्लम या छोटा सा भी लग जाते हैं सो so, यह कोई बहुत बड़ा कौन नहीं है पर बहुत बड़ा प्रू हो सकता था मेरा मतलब अगर फ्लॉलेसली प्ले हो जाए बिना किसी लैग के देन दिस इज एन अमेजिंग फीचर लेकिन हमारी हर बार टेस्टिंग करने पे इसमें हमें अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकंड का थोड़ा सा लैग मिला यू हैव टू कीप दैट इन अकाउंट इसे ये साउंड बार खरीदनी चाहिए हर किसी को अगर आपका ये बजट है तो अगर आप क्लासिकल सुनते हैं यस जैज सुनते हैं यस रॉक सुनते हैं यस yes. आप पुरानी हिंदी सॉन्ग सुनते हैं यस yes. आप नई जनरेशन के पॉप सॉन्ग सुनते हैं यस yes. आप कोई भी म्यूजिक इसमें खुद कस्टमाइज करके क्रिएट कर सकते हैं मेरा मतलब ये है कि आप बेस को इतने शानदार तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं दैट ऑल दी दॉनराज विल प्ले ब्यूटिफुली इन दिस साउंड बार सारा का सारा फ्रीक्वेंसी एनालाइजर ही चेंज हो जाता है आप जब इसमें देखते हैं कि इतने शानदार तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करी गई है पावर की कि आपको मजा आता है इस साउंड बार को सुनने का एंड दैट इज वाई आई रेटेड ए नंबर वन इन दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज